दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, 100% वर्क करता है, कोई फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए मैं एक लाइक का बोल रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप टाइपिंग करते हुए अपने कर्सर को मूव कैसे कर सकते हैं, वो भी वॉल्यूम बटन की सहायता से। तो दोस्तों, इसके लिए करनी होगी हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करती है? प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है टाइपिंग कंट्रोल। तो दोस्तों, ये आ गई एप्लीकेशन। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन टाइपिंग कंट्रोल के नाम से, आप देख सकते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह ही है, इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए, इंस्टॉल कर लें आप इसे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लें। ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं इसे। स्टार्ट सर्विस पर यहाँ पर आप क्लिक कर दें, सो सेटिंग पर क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है टाइपिंग कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक करें, एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर दें। ठीक है, ओके ओके, अब ये हमारी ऑन हो गई इसकी सर्विस। ऐड पर क्लिक करें। अब हमें वो एप्लीकेशन यहाँ से चूज़ करनी है जिसमें हम ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, या अपने टाइपिंग करते हुए कर्सर को इधर उधर करना पड़ता है, कभी हमारी टाइपिंग गलत हो जाती है तो हमें इधर उधर करता है। चलिए, मैं फेसबुक कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ मैं फेसबुक मैसेंजर, और मैं करूँगा यूसी ब्राउज़र कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ व्हाट्सअप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने ये एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं रेट ऐप सेटिंग, और यहाँ से आप सेटिंग देख सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट पर डिसेबल व्हेन प्लेइंग ऑडियो, ये सब हो सकता है। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए, मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप सेलेक्ट करा था, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको व्हाट्सअप पर कोई टाइपिंग करके। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर देखिए टाइपिंग कर रहा हूँ, हाउ आर यू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैं कोई हाथ नहीं लगाने वाला, और इसका कर्सर जो है, मतलब जो आपको ये डंडा सा दिख रहा होगा, तो इसको वॉल्यूम यदि आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये मूव होगा। ये देखिए, मैं वॉल्यूम की अप करूँगा तो ये आगे जाएगा, और वॉल्यूम की डाउन करूँगा तो ये पीछे जा रहा है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का काम यही है कि हम इसे कर्सर को आगे पीछे कर सकते हैं वॉल्यूम की मदद से। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं और लाने वाला हूँ आपके लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। वंदे मातरम।